नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी की खास पेशकश घोटाले पर घोटाले। इंडिपेंडेंट टीवी बंद हो गया, साथ ही सिग्नल से आजाद हो गए वो सेटअप बॉक्स जिन्हें लगाते हुए कंपनी ने दावा किया था कि एक साल तक 500 चैनल फ्री दिखाए जाएंगे। 2500 रुपए प्रति ग्राहक वसूले गए और फिर रातों रात टीवी से चैनल और ऑफिस से निदेशक गायब हो गए। 2500 रुपए करीब 17 लाख लोगों से देश भर में प्रति ग्राहक वसूला गया। बाइक बोट व इंडिपेंडेंट टीवी की कमाई से रातों रात अरबपति बने निदेशकों ने जब शिकंजा कसता पाया तो भूमिगत हो गए। संजय भाटी भले ही जेल चला गया हो, लेकिन इससे उन लोगों को कोई सहारा नहीं मिला जिनकी गाढ़ी पसीने की कमाई को भाटी एंड कंपनी डकार चुकी है। 4 अरब 25 करोड़ रुपए का चूना, बाइक बोट का पैसा भी लगा है पेटल में। भाटी ने विश्वविद्यालय और मॉल में लगाया अरबों रुपया। बैंक मालिक ने भी 38 करोड़ रुपए डकारा। संपूर्ण माया जाल इतना बारीकी से बुना गया था कि ग्राहकों के पास फंसने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। बाइक बोट में 4000 करोड़ और इंडिपेंडेंट टीवी के जरिए 425 करोड़ यानी 4 अरब 25 करोड़ रुपए का आमजन को चूना लगाकर निदेशक हवा हो चुके हैं। इंडिपेंडेंट टीवी का मालिक भी महाघोटालेबाज संजय भाटी ही है। बाइक बोट का 4000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला जनता के सामने आ चुका है। इस घोटाले में महाघोटालेबाज संजय भाटी ने मोटा लालच देकर निवेशकों से अपनी कंपनी गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में बाइक बोट के नाम से बाइक लगवाई। वादा किया था कि एक साल में ही रकम दोगुना हो जाएगी। अब जब घोटाले की परतें खुली तो संजय और उसके गुर्गों के खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे पुलिस में निवेशकों द्वारा दर्ज कराए गए। इतनी बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की जाबाज पुलिस कान में तेल डाले बैठी रही। जब संजय को लगा कि जिन लोगों की गाड़ी कमाई उसने और उसके गिरोह ने लूटी है और वो उसे मार डालेंगे, तो उसने इस डर से अदालत में समर्पण कर दिया। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। परेशान पीड़ितों को यह सुनकर राहत पहुंच सकती है कि बताया जा रहा है जेल और रिमांड के दौरान पुलिस ने संजय भाटी की खासी मेहमान नवाजी की है। संजय जेल में है, लेकिन निवेशकों का पैसा कब और कैसे वापस होगा, इसका सवाल निवेशकों को परेशानी में डाले हुए है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट टीवी की। इंडिपेंडेंट टीवी शुरुआती दिनों में रिलायंस बिग टीवी के नाम से जाना जाता था। इसे अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनी आरकॉम संचालित कर रही थी। 2008 में शुरू हुआ रिलायंस बिग टीवी 2017 के अंत तक चला, फिर आर्थिक संकट के चलते आरकॉम को इसे बेचना पड़ा। 29 नवंबर 2017 के आसपास आरकॉम ने अपनी डूबती नैया को बचाने व निवेशकों में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए इसे बेच दिया। इसे खरीदा पेटल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और वीकॉन मीडिया टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड ने। यह कितनी धनराशि में बेचा अथवा खरीदा गया, इसे गोपनीय बनाए रखा गया। पेटल टेक्नोलॉजी के निदेशक विजेंद्र सिंह व पत्नी प्रीति सिंह है। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ समय पूर्व ही टीवी के समस्त अधिकार संजय भाटी ने विजेंद्र से खरीद लिए थे, लेकिन बाद में पैसों के लेन देन को लेकर दोनों में विवाद हो गया। अब यह मामला अदालत में विचाराधीन बताया जा रहा है। विजेंद्र सिंह का कहना है कि उनका इस घोटाले से कुछ लेना देना नहीं है। बता दें कि मार्च 2018 में प्री बुकिंग के नाम पर प्रति ग्राहक 2500 रुपए वसूले गए। यह वसूली देश भर के उपभोक्ताओं से हुई। बताया जा रहा है करीब 17 लाख लोगों ने इस धनराशि का भुगतान किया, यानी कि 4 अरब 25 करोड़ रुपया रोजाना। इस स्कीम से के कारण कंपनी के पास करीब 7-8 करोड़ रुपये आ रहा था। बावजूद इसके भुगतान न होने पर स्टार इंडिया ग्रुप से जो समझौता कंपनी का हुआ था वह 23 जुलाई 2018 को टूट गया। समझा जा सकता है कि कंपनी का इरादा इसे चलाने का नहीं बल्कि कुछ और था, जो 4 अरब 25 करोड़ रुपये डकारने के रूप में सामने आ रहा है। अब जबकि संजय भाटी जेल की सलाखों के पीछे है, एसआईटी जांच चल रही है और ईडी जांच की तैयारी में है, तो इन घोटालों से जुड़े महाघोटालेबाजों में भी हड़कंप और बेचैनी के हालात हैं। जिन प्रॉपर्टी में बाइक बोट और इंडिपेंडेंट टीवी का पैसा खपाया गया है, उन संपत्ति को ईडी से बचाने की जुगत लगाई जा रही है। कहीं ट्रस्ट बदले जा रहे हैं तो कहीं ट्रस्टी। सूत्रों के अनुसार एसआईटी की जांच में ये भी सामने आ रहा है कि संजय भाटी ने घोटाले का मोटा पैसा हिमाचल स्थित एक विश्वविद्यालय खरीदने में लगा दिया है। ये विश्वविद्यालय कांग्रेस के एक बेहद चर्चित और विवादास्पद नेता का था। इस विश्वविद्यालय को वर्तमान में भाटी की पत्नी देख रही है। इसके अलावा दिल्ली के एक सरदार बिल्डर को एक मॉल और टाउनशिप की खरीद के लिए भाटी ने 150 करोड़ रुपए दिए, लेकिन पैसा जाने के बाद भी योजना परवान नहीं चढ़ी।
सरदार धोखाधड़ी के एक अन्य गंभीर मामले में फिलहाल जेल में बंद है, यानी 150 करोड़ रुपए को लेकर अब भाटी और सरदार आमने सामने हैं। ये भी जानकारी में आया है कि घोटाले की काली कमाई को ठिकाने लगाते हुए संजय ने नोएडा के एक बैंक मालिक जो कि शर्मा है को 32 करोड़ रुपए दिए। इस धनराशि को वापस लेने के लिए फिलहाल सिर्फ पुटवल चल रही है। एसआईटी को जानकारी मिली है कि लखनऊ के एक तिवारी भी जो कि ग्राहकों को बदले में इलेक्ट्रिक बाइक दे रहे थे, वो भी भाटी का मोटा पैसा दबाए हुए है। कुल मिलाकर इस संपूर्ण घोटाले और घोटाले दर घोटाले का मुख्य चेहरा यानी कि संजय भाटी भले ही जेल की सलाखों के पीछे हो, लेकिन बाकी घोटालेबाज स्वयं को बचाने के लिए जुगत लगाने में जुटे हुए हैं। यह भी जानकारी में आया है कि ये घोटालेबाज राजनेताओं, शासन प्रशासन के अधिकारियों की जेबों में संरक्षण तलाशते घूम रहे हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे भी समाज में फैले सफेदपोश घोटालेबाजों का पर्दाफाश हम यूं ही करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।